टेलीविजन सीरियल उड़ान में विवान ने कर दिया है चकोर और सूरज का कत्ल। जी हाँ, चकोर और सूरज को इमली से जान का खतरा महसूस होता था, लेकिन यहाँ तो असली खलनायक निकला विवान। विवान चकोर और सूरज को बेहोश करके एक सुनसान जगह लाता है। वहीं एक आदमी आकर उसे मिलता है, जो उसके हाथ में बंदूक थमाकर जाता है। उसके जाते ही विवान को एक फोन आता है और विवान को चकोर और सूरज को जान से मारने के लिए ऑर्डर मिलता है। कठोर दिल बनकर विवान चकोर और सूरज के हाथों को बांधकर उन पर बंदूक तान देता है। चकोर और सूरज के लाख समझाने पर भी विवान को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चकोर और सूरज को गोली मारकर लहूलुहान कर देता है। आखिर कौन है वो जिसके इशारों पर नाच रहा है विवान? क्या चकोर और सूरज का हो गया है दी एंड? टेलीविजन सीरियल की ऐसी दर्दनाक कहानियाँ देखते रहिए हमारे चैनल में, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फाइनली उसने गन भिजवाई है और ये वार्निंग दी कि अब काम ख़त्म करना पड़ेगा वरना कभी नहीं मिल पाऊँगा। तो सूरज और चकोर को मैं कह सकते हो कि बेहोश करके बांध के यहाँ तक लेके आया हूँ, और उसके बाद दोनों को गोली मारती है और दोनों मर गए। अच्छा, चकोर काफ़ी रोकने की कोशिश भी करती है, आपको काफ़ी समझाने की कोशिश भी करती है, क्योंकि इस पूरे जर्नी के दौरान उन्होंने काफ़ी साथ भी दिया था। हाँ, बट इस वक्त विवान का एजेंडा जो है वो ये है कि उससे मिलना, जिसने इतने टाइम से परेशान किया है, अपना बदला लेना है, इसलिए उसको बाकी चीज़ें शायद दिखाई नहीं दे रही हैं। सानवी को लेके एक थोड़ा सा है उसको कनेक्शन, तो वो भी वो बोलती है कि सानवी का क्या होगा, तो उसको मैं संभाल लूँगा लेकिन तुम लोगों को मरना होगा। ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। नहीं, सच में गोली तो मारी मैंने इतनी ज़ोर से लगी है बेचारे को और मर गए।